सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनलॉकिंग मैथ स्किल्स। सो फ्रेंड्स, देखिए आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नेट जून 2017 का, और क्वेश्चन है देखिए इंटीग्रल इक्वेशन से। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए लेट वाई एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन। और हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो सॉल्यूशन है इस इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ वाई एक्स, उसकी वैल्यू को निकालने, फाइंड आउट करने, कहाँ पे, रूट टू पर। सो देखिए हम इंटीग्रल इक्वेशन क्या गिवन है, सो मैं देखिए गिवन है वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस जीरो टू एक्स एक्स टी स्क्वेयर वाई ऑफ टी डी टी। ठीक है, सो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम इस गिवन इंटीग्रल इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे एक डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इस गिवन इक्वेशन को हम क्या करेंगे, देखिए डिफरेंशिएट। सो हम देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो जब डिफरेंशिएट करते हैं हम, तो देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बन जाएगा, देखिए वाई डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का आएगा वन। अब देखिए हमें इस इंटीग्रल जो है उसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसके लिए हम जानते हैं हमें कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा, हमें अप्लाई करना पड़ेगा लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन, ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन। सो देखिए करें अगर माइनस, देखिए जीरो टू एक्स, अब देखिए अगर अंदर एक्स का फंक्शन है, ठीक है, सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे इंटीग्रेंड को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए टी स्क्वायर y of t dt प्लस पुट करनी है अपर लिमिट इंटीग्रेंड में, तुमको मिलेगा देखिए x क्यूब y of x एंड विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा, देखिए d by dx of अपर लिमिट कितनी है आपकी x माइनस लोअर लिमिट, सिंस अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्ट क्या लिखना आपको जीरो। ठीक है, तो जब इसको देखिए सॉल्व करें हम, तो हमें मिलेगा y dx इज इक्वल टू वन माइनस जीरो टू x टी स्क्वेयर वाई ऑफ टी डी टी माइनस एक्स क्यूब वाई ऑफ एक्स। अब देखिए इससे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, अगेन इसको डिफरेंशिएट करके एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट कर सकते हैं, देन वो एक बनेगी, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी विद वेरिएबल कोफिशियंट, उसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। हम क्या करते हैं, देखिए देखिए जो ये चीज है, जो इंटीग्रल फॉर्म है, इसकी वैल्यू हम कहां से निकाल सकते हैं, इस गिवन इक्वेशन से। तो हमें पता है कि जो 0 टू x टी स्क्वायर y ऑफ t dt की वैल्यू कितनी है, क्योंकि देखिए ये x जो है वेरिएबल नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन के अभी t के रेस्पेक्ट में, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखिए x माइनस वाई एक्स अपॉन एक्स, तो वैल्यू पुट करें यहां पे अगर हम, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए y डैश इज इक्वल्स टू वन माइनस x माइनस वाई एक्स ओवर एक्स माइनस एक्स क्यूब वाई एक्स। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये आ जाएगा, देखिए वाई एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स क्यूब वाई एक्स। सो देखिए जब इसके आगे से हम वाई एक्स कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए वाई डैश अपॉन वाई इज इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स माइनस एक्स क्यूब। तो देखिए ये सेपरेबल फॉर्म में आ चुकी है, अब क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट इसके आगे कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो देखिए जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वाई डैश अपन वाई का इंटीग्रेशन आ जाएगा, देखिए कितना लॉग वाई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स माइनस एक्स टू द पावर फोर अपॉन फोर, और हम क्या लेंगे, देखिए इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट इन टर्म्स ऑफ लॉग ले लेंगे, लॉग सी। सो जब लॉग को यहां से एलिमिनेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए y इक्वल्स टू सी एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर फोर अपॉन फोर। सी क्या, देखिए आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब देखिए हमको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसके ऊपर, रूट टू के ऊपर, तो वैल्यू अगर पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए c इक्वल्स टू रूट टू ई टू द पावर माइनस
टू टू द पावर 1/4, सॉरी रूट टू टू, सो ई टू द पावर माइनस रूट टू टू द पावर 4/4, तो ये सॉल्व करने मिलेगा देखिए सी टाइम्स रूट टू बाय ई। अब देखिए जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें देखिए ई तो एक ही ऑप्शन में गिवन है जो कि क्या है फोर्थ ऑप्शन में डिनोमिनेटर में, बाकी देखिए डिनोमिनेटर में रूट ई ई स्क्वायर ऐसे गिवन है। अगर यहाँ पे हम सी को कितना ले लें 1 ले लें तो हमारा ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा करेक्ट। सो देखिए ऑप्शन 4 क्या है इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आगे आने वाले वीडियोज आप देखें इसी तरीके से एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।